हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि हम कंपटीशन एक्ट की एक सीरीज चलाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंपटीशन एक्ट का एक ओवरव्यू दिया था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि कंपटीशन एक्ट से पहले जो कंपटीशन लॉ है वो किससे गवर्न होता था, ठीक है। तो आज हम इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं कंपटीशन एक्ट की, जो यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसे हम MRTP एक्ट भी कहते हैं, 1969 में वो एग्जिस्टेंस में आया था। जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा MRTP एक्ट है वो तीन चीजों को कवर करता था, MTP यानी कि मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस, RTP यानी कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, एंड UTP अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जिसमें से मैंने ये भी बताया था आपको कि MTP यानी कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड को रिप्लेस करके, यानी कि एकाधिकार ना हो किसी भी व्यापार में, ट्रेड में किसी का, उसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। वहीं पर जो हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको रिप्लेस करके क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने किसको कवर किया, UTP यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। वहीं पर अगर हम बात करें आपकी RTP की, तो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे भी LPG का कंसेप्ट आया इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ठीक है, यानी कि ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। In my previous video, I have mentioned four objects of Competition Act 2002. The first is to establish Competition Commission of India, यानी कि competition को market में promote करने के लिए act कौन करेगा? Competition Act तो बना दिया गया है, उसके लिए Competition Commission की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। यानी कि Competition Commission जो हमारा है वो Competition Act के बाद आने के बाद, एक साल के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये क्या करेगा हमारा कंपटीशन कमीशन, ये प्रिवेंट करेगा मोनोपोलीज, मार्केट में मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट करेगा, प्रमोट करेगा कंपटीशन को, यानी कि कंपटीशन को प्रमोट करेगा मार्केट में। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्ट करेगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर द पार्टिसिपेट इंडिविजुअल एंटिटीज इन द मार्केट, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके ट्रेड में उन्हें बीट करना चाह रहे हैं, कंपटीशन करना चाह रहे हैं, तो उन्हें क्या करेगा, और जो छोटी छोटी एंटिटीज होंगी उन्हें प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, कि कहीं ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो छोटी छोटी इंडिविजुअल छोटी छोटी एंटिटीज को आने के लिए क्या करें, रेस्ट्रिक्ट कर दें या उन्हें आने ना दें। नेक्स्ट प्रमोट करेगा इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंपटीशन एक्ट है वो थ्री पार्ट में कैटेगराइज है। थ्री पार्ट में कैटेगराइज का मतलब है कि जो हमारा पूरा कंपटीशन एक्ट है वो इन तीनों चीजों के अराउंड घूमता है। पूरे कंपटीशन एक्ट में आप देखेंगे तो आपको इनसे ही रिलेटेड प्रोविजन मिलेंगे। जैसे कि पहला है आपका प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 3 में हमने बताया था, उसकी डेफिनेशन दी गई है जिसे हम आगे एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोहिबिशन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, की जो डोमिनेंट पोजिशन है उसका मिसयूज नहीं करेगा कोई, ठीक है, वो सेक्शन 4 में आपकी डेफिनेशन, उसे भी हम एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन हो जाता है कंपनी अपने कॉम्बिनेशन करती है उसके रेगुलेशन के बारे में बताता है, इसका क्या होता है रेगुलेशन कॉम्बिनेशन, सेक्शन 5 इसकी इसको डिफाइन करता है, बताता है। उसके बाद हम आते हैं आज के हमारे मेन जो हमारा वीडियो का ऑब्जेक्ट है, इंपोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करना कॉम्पिटिशन एक्ट की। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2 क्लॉज ए, एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एक्ट, इट मींस डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग, एक्वायर कर रहा है, या फिर एग्रीइंग टू एक्वायर, या एक्वायर करने के लिए एग्री कर रहा है, किसे किसे एक्वायर कर रहा है, किसे एक्वायर करने के लिए एग्री हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, किसी कंपनी के शेयर्स को, वोटिंग राइट्स को, एसेट्स और एनी एंटरप्राइजेस को, या फिर कंट्रोल कर रहा है ओवर द मैनेजमेंट, और कंट्रोल कर रहा है ओवर द एसेट्स ऑफ
एनी एंटरप्राइजेस, कोई भी जो भी एंटरप्राइजेस है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसकी एसेट्स को और उसके मैनेजमेंट को, तो वो कहा जाएगा कि वो क्या कर रहा है, एक्विजिशन, वो एक्विजिशन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज बी, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो इंक्लूड करता है एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्न वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग और कंसर्निंग इन इनफॉर्मल और इन राइटिंग और वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न इंटेंडेड टू बी एनफोर्स बाय लीगल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर जो हमारी एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इसमें इंक्लूड करता है सेक्शन 2 क्लॉज बी की डेफिनेशन जो है हमारी, एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं, टू एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने आपस में क्या कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग कर लिया। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आपस में मिल गए हैं और उन्होंने क्या कर लिया है कि ठीक है हम दोनों एक ही बात पर एग्री करते हैं तो हम अब दोनों मिलकर ऐसे ही करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो भी आपका एग्रीमेंट हो। दूसरी चीज ये है कि एक्शन इन कंसर्न, यानी कि एक्शन इन कंसर्न का मींस क्या है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी ने अभी पीछे काफी टाइम पहले सीमेंट कंपनीज जो थी उन्होंने अपने जो सीमेंट था उसका प्राइस बढ़ा दिया था, वहां पर एक कंपनी को देखते हुए दूसरी कंपनी ने, फिर तीसरी कंपनी ने, फिर ऐसे ही 3-4 कंपनियों ने एक साथ सेम प्राइस बढ़ाए, तो वहां पे भले ही उनके आपस में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था या किसी ने प्रपोजल नहीं दिया था, किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, लेकिन उन लोगों के एक्शंस कैसे थे, एक्शन उनके ऐसे ही थे जैसे कि उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया हो, तो उसको वहां पर हमारी जो कंपटीशन एक्ट है उसमें इस तरह के एक्शंस को भी क्या माना जाता है, एग्रीमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आगे क्या कहता है ये कि वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न इज फॉर्मल और इन राइटिंग। देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या आता है कि रिटर्न होना चाहिए या ऑरल होना चाहिए, इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई फॉर्मेलिटीज फिलफुल करनी हो, रिटर्न में हो या फिर एक तरफ से प्रपोजल हो दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस है, कोई फॉर्मल जो कंडीशन है फुलफिल नहीं करनी होती है ना ही राइटिंग में होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग कर ली है आपने, इस तरह का अरेंजमेंट बना लिया है आपस में, या फिर दूसरी कंपनी को देखते हुए सभी कंपनी एक साथ अपने जो प्राइस है वो बढ़ा देती हैं, तो वो भी क्या आपका एग्रीमेंट की कैटेगरी में ही माना जाएगा। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग और कंसर्न इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग। अब जो एग्रीमेंट इनका हो रहा है या जो इनकी कंसर्निंग हो रही है ये मायने नहीं रखता कि उनका कोई लीगल ऑब्जेक्ट था या फिर वो किसी अपने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि उसे इन फ्यूचर वो इन्फोर्सिएबल करा सके। जैसे हम कहते हैं ना, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिएबल, द एग्रीमेंट विच इज एन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल उनका वो एग्रीमेंट या नहीं, लेकिन वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में माना जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज बी की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज सी, कार्टल। देखिए डेफिनेशन लर्न करने में भी बहुत इजी है, सी फॉर कार्टल एंड सी में ही डेफिनेशन है इसकी। कार्टल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन। कार्टल्स में क्या होता है, इंक्लूड्स होते हैं एसोसिएशन यानी कि संघ, किसके, प्रोड्यूसर के, सेलर के, डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ट्रेडर्स के और सर्विस प्रोवाइडर्स के। जब जितने भी आपके, चाहे प्रोड्यूसर हो या सेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या ट्रेडर्स हो या सर्विस प्रोवाइडर्स हो, जब वो आपस में क्या बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, वो ही आपका कहलाता है कार्टल। अगर इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो आपने ओपिक सुना होगा, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का एक कार्टल है,
वो क्या करती हैं, वो जो प्रोडक्शंस होती हैं उस पर लिमिट लगाती हैं कि कौन सा कंट्री कितनी परसेंट प्रोडक्शन करेगा। तो इसी तरह के कार्टेल को रोकने के लिए हमारे इंडिया में कंपटीशन एक्ट। अब हमने क्या देखा कि जो कार्टेल होता है उसमें इंक्लूड्स, पीछे हमने स्लाइड्स में देखा था कि एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, कौन से, बाय एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट करते हैं अमोंग देमसेल्फ लिमिट एंड कंट्रोल, अटेम्प्ट टू कंट्रोल कि जो लिमिट्स है उस पे कंट्रोल करने के लिए, अटेम्प्ट टू कंट्रोल या फिर उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, किसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये सब प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्शन को, अगर वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं आपस में कार्टल बना करके कि हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर उस मार्केट में करेंगे और उस मार्केट में नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह से सेल और प्राइस, ये आप इतना सेल होगा या इतना प्राइस होगा, इस तरह का कोई कार्टल बना रहे हैं आपस में संघ बना करके, या फिर ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन, या फिर कोई गुड्स अगर है, यानी कि अगर कोई माल है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो सर्विस के जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या कर लेता है, लिमिट कर लेता है या फिर उस पे कंट्रोल कर लेता है, कैसे, सारे के सारे एक कार्टल बना करके। मान लीजिए कि जितने भी आपके टेलीकॉम कंपनीज हैं, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, ठीक है, अगर ये क्या करते हैं, अगर ये सेम प्राइस कर लेते हैं आपस में, क्या कर लेते हैं, इनका कार्टल अगर ये बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं और ये कहते हैं कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब इतना ही हम नेट प्रोवाइड कराएंगे, प्राइस हमारा या फिर ये हमारा प्राइस यही रहेगा सेम, जो भी आप अनलिमिटेड आप पैक लेकर के आ रहे हो, ठीक है, मंथली हो या ईयरली हो, ठीक, उसका ये प्राइस रहेगा, इतनी GB आपको डाटा प्रोवाइड कराना होगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल्स प्राइस में, ट्रेड इन गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस में, कोई सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि कोई हो सकता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कोई अदर सर्विस जो आपको प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, कोई आपकी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, के सर्विस के लिए कोई कंपनी, इस तरह से अगर कोई है, तो इस तरह की सारी एक्टिविटी अगर कोई करता है तो कहा जाता है कि उनका क्या बन गया है, कार्टल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कंज्यूमर की, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसलिए हम इस लेक्चर में इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो ये था हमारा कंपटीशन एक्ट की इंपोर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड हमारा फर्स्ट लेक्चर, इससे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलरली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।